आईपीएल 2024 अब ऐसे मोड पे आके टिक चुका है जहां पर सीएसके और आरसीबी दोनों में से एक टीम क्वालिफाई करने वाली है। प्रत्येक व्यक्ति के दिल और दिमाग में अब ये कंफ्यूजन छा गया है कि वो सीएसके को सपोर्ट करे या फिर आरसीबी के पक्ष में जाए। सीएसके की टीम की ओर से एमएस धोनी खेलते हैं और जैसा कि आपको पता है कि एमएस धोनी का ये लास्ट आईपीएल होने वाला है, तो सभी फैंस ये चाहेंगे कि एमएस धोनी अपनी विदाई आईपीएल की ट्रॉफी के साथ करें। तो करोड़ों फैंस का जो दिल है वो एमएस धोनी में अटका हुआ है, लेकिन साथ ही एक बार अगर दिमाग से सोचें तो आरसीबी की टीम ने अब तक 17 साल में कोई भी कप नहीं जीता है। तो दिमागी तौर पर अगर बात करें तो हमें आरसीबी का सपोर्ट भी करना चाहिए कि आरसीबी कम से कम एक कप जीतकर अपना ये काला दाग हटा सके। तो इस प्रकार सभी फैंस के दिल और दिमाग में जंग छिड़ी हुई है। तो दिल और दिमाग की जंग में हमेशा बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब भी दिल और दिमाग की लड़ाई हो हमेशा दिल की सुननी चाहिए। तो हमारा पूरा सपोर्ट चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होने वाला है। अब अगर थोड़ी बहुत बात करें मैच के बारे में तो यह मैच 18 मई को होने वाला है, लेकिन इस मैच से पहले एक न्यूज निकल के सामने आ रही है जो कि सबको चौंकाने वाली है। यानी कि 18 मई को सीएसके और आरसीबी का मैच होने वाला है, लेकिन इस दिन बरसात होने के 90% चांस बताए जा रहे हैं। और अगर इस मैच में बरसात होती है तो यह आरसीबी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि बरसात होने के बाद में दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया जाता है और आरसीबी टीम को अगर एक पॉइंट मिलता है तो आरसीबी की टीम 13 पॉइंट तक पहुंच पाएगी और क्वालिफाई नहीं कर सकती है। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या बीसीसीआई को यह मैच किसी दूसरे स्टेडियम पर करवाना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, बीसीसीआई यह मैच दूसरे स्टेडियम पर नहीं करवा सकती है, क्योंकि आईपीएल के सभी मैच और उनके स्टेडियम फिक्स होते हैं। तो यह मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाना है। तो 18 मई को देखना होगा, अगर आरसीबी की टीम चेन्नई को 18 रन या फिर 18 ओवर में हराती है तो आरसीबी क्वालिफाई कर सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएं।